वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड फोर्थ में। और आज हम बात करने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में इफ स्टेटमेंट समझा रहा था और टर्नरी ऑपरेटर को मैंने कहा था नेक्स्ट एपिसोड में कवर कर लेंगे, बाकी सब कवर हो ही चुका। तो टर्नरी ऑपरेटर और हम समझ लेते हैं इफ स्टेटमेंट में कैसे यूज किया जाता है। तो बाकी कुछ आप पिछला एपिसोड देख कर ही आए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ, तो आपको यहाँ पे कुछ दिक्कत होगी नहीं। तो मैंने देखिए वही चीज़ बना ली है। एज मैंने बना ली है 18 साल यानी कि 18 साल, और फिर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है कि जिसकी उम्र 18 साल यानी कि एज ग्रेटर 18 साल हो या फिर एज इक्वल यानी कि 18 साल हो या 18 साल से ज़्यादा हो, वो क्या करे उसके लिए प्रिंट कर दो सर, मतलब कैन बोर्ड, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया कैन बोर्ड, और यदि ना हो तो प्रिंट कर दो कैन नॉट वोट, ठीक है। तो उसको जल्दी से रन करवा देते हैं। तो इसने देखिए प्रिंट कर दिया शरद कैन बोर्ड, क्योंकि मैंने जो एज अपनी है वो पहले यहाँ पे मान रखी है 18 साल, मैंने इसको बता दिया है। और फिर मैंने प्रोग्राम बनाया उसके बाद में कि 18 साल वाले उनको कैन बोर्ड कर दो, ठीक है। तो इस तरह से अब इसको जो टर्नरी ऑपरेटर है ये काम पता क्या करता है, ये काम करता है जैसे ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है ये 100% है यानी कि लंबी है काफ़ी, इसको हम छोटी भी कर सकते हैं, कहीं से छोटी होगी उसको भी हम कर सकते हैं। तो इसके देखिए सिंपल सा हम 37% तक इसके हम जो है छोटी कर सकते हैं। तो बस और ये बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग में यूज होगा तो काफ़ी इससे इफेक्ट पड़ेगा, बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ खास। तो टर्नरी ऑपरेटर काम है मेरा पढ़ाना, तो मैं पढ़ा देता हूँ। इफ़ एज देखिए सारा कुछ वही है, बस क्या है थोड़ा इसमें एक ही लाइन में काम चल जाएगा। एल्स एल्स प्रिंट शरद कैन नॉट वोट, शरद कैन नॉट वोट। तो जिसके लिए अभी मैंने इतने लंबा दिमाग लगाया था वही काम जो है हमारा सिर्फ एक लाइन में बन जाएगा। देखिए कहीं से मैं इसको रन करवा देता हूँ और देख लीजिए सिंपल सा आ चुका है शरद कैन वोट। तो अब जल्दी से इसको हटाते हैं और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाइल लूप इन पाइथन। क्या होता है वाइल लूप? वाइल लूप दरअसल ऐसा होता है जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी है, आपको एक मग दे दिया गया, आपसे कहा गया इस बाल्टी को भरिए। लेकिन क्या हो इसी चीज़ को हम पाइथन में इम्प्लीमेंट करें कि आपसे कहा गया कि ये जो है इस जो लूप है इसको इतनी टाइम तक रन कराओ। जैसे जैसे मान लीजिए आपको एक बाल्टी दे दी गई, आपको मग्गा दे दिया गया, मग दे दिया गया, आपसे कहा गया कि इस बाल्टी को भर जाने तक, यानी कि एक बाल्टी है ये हमारी जो लिमिट है वो है बाल्टी को भर जाए जब तक, ठीक है, तब तक ये मग्गे से बार 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 बाल्टी में पानी डालते रहो। तो यही काम करता है वाइल लूप, यानी कि एक लिमिट लगा दे दी जाती है कि इतने तक चलते रहो और इतनी इतनी वैल्यू डालते रहो और इतनी रफ्तार से बढ़ते रहो, यानी कि इतना छोड़ छोड़ कर, जैसे 1 2 3 4 कितना एक 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 इंक्रीमेंट हो रहा है, एक 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 डिक्रीमेंट भी हो सकता है। तो यही चीज़ होती है वाइल लूप इन पाइथन, और यही जो रिपीट करने का टास्क है वही करता है वाइल लूप। तो इसको चलिए कोडिंग करते हैं हमेशा की तरह। तो देखते हैं हम यहाँ पे बनाएंगे एक वाइल लूप। तो वाइल लूप यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक लिख लेते हैं i = i + 1 i = 1, ठीक है। और हम यहाँ पे लिख लेते हैं वाइल वाइल i < i < 10। और अभी मैं जो लिख लेने दीजिए फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे प्रिंट करेंगे वेलकम टू शरद कटियार। तो ये मैंने अपना नाम लिख दिया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे एक मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि लूप बढ़ेगा किस रफ्तार से, मतलब क्या तरीका होगा इसका आगे बढ़ने का। ये हम i + 1 में मैंने इसको डिफाइन कर दिया है। अब समझिए मैंने यहाँ पे माजरा ये किया गया है, तो आप सिंपल सा देखें तो i = i + 1 लिखा है, यानी कि i की जो वैल्यू है वो 1 है, यानी कि जो वेलकम टू शरद कटियार है ये एक बार प्रिंट हो। मैंने क्या लिखा i = 1, यानी कि वेलकम टू शरद कटियार एक बार प्रिंट हो। फिर मैंने क्या किया वाइल लूप लगा दिया, फिर मैंने कहा कि यार एक बार नहीं, एक काम करो i > (lesser or equal than 10) यानी कि ये 10 तक प्रिंट करो यार, है ना, 10 तक प्रिंट करो। तो एक से लेकर के i = 1 मैंने माना था, फिर हमने वाइल के बाद एक शर्त लगा दी कि इसको 10 तक प्रिंट करो, यानी कि 10 से जो है कम रहे और 10 के बराबर हो जाए, ठीक है ना, इस तब तक प्रिंट करो। लेकिन अब बीच में ये सवाल आता है कि कैसे प्रिंट करना है, मतलब का 1 2 3 4 कि
1 5 7 यानी कि बीच बीच से उठा लें कि एकदम लाइन से प्रिंट करें, तो इसके लिए हमने एक नीचे कंडीशन लगा दी कि जो बढ़ने का आगे बढ़ने का तरीका है, जिस तरह से हम प्लानिंग करेंगे आगे बढ़ेंगे, वो है आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। यानी कि हम एक एक करके स्टेप आगे बढ़ेंगे, यानी कि आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, यानी कि 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 1 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, इस रफ्तार से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमने चीज जो डिफाइन की, हमने डिफाइन की आई इज इक्वल टू आई प्लस वन से। तो यही जो है व्हाइल लूप हमारा काम करता है। मैंने बहुत ही जितने बेहतरीन ढंग से आपको समझा पाता था समझा लिया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए इस लूप को हम रन करवा लेते हैं। देखिए लूप को जैसे मैंने रन करवाया, जो ये वैल्यू है हमारी 10 बार प्रिंट हो गई। अब क्या करते हैं, आप चलिए आपको ये आ रहा होगा कि 10वीं बार है कि कुछ और मतलब है, तो लो ये भी मैंने कर दिया, आई कामा लगा करके मैंने कॉनकैटिनेट कर दिया इसको, ठीक है। तो ये 10 बार देखिए प्रिंट हो गया। अब अच्छा एक बात आई कि इसका अगला टारगेट क्या था, इसका अगला टारगेट था 11, लेकिन ये चला ही नहीं। क्यों नहीं चला, क्योंकि हमने कंडीशन ऊपर लगा रखी थी आई इज लेसर आर इक्वल देन 10, यानी कि 10 के बराबर हो 10 से कम हो तभी तक चलेगा लूप। और जैसे ही इसने ऊपर 11 जोड़ने का प्रयास किया, ऊपर कंडीशन लगी थी वेरीफाई नहीं, ट्रू ही नहीं, और फाइनली ये जो है चला ही नहीं लूप। और इसका अगला टारगेट 11 था या नहीं था, इसका हम जरा पता यहाँ पे लगाते हैं। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे लिख दूंगा और ये बता देगा इसका अगला टारगेट क्या था, क्योंकि कई बार पूछा भी जाता है, तो बताना मुझे आपके लिए ज़रूरी है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, और देख लीजिए इसने बता दिया कि 11 इसका अगला टारगेट था, लेकिन वो लूप चला ही नहीं दरअसल, ठीक है ना, तो इसलिए प्रिंट ही नहीं हो पाया फिर ये फाइनली। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक टेबल बनाएंगे, यानी कि एक हम पहाड़ा बनाएंगे हिंदी में कह ले तो, जिसको हम क्या करेंगे आई इज इक्वल टू, मैंने बना लिया आई इज इक्वल टू 0 और एन इज इक्वल टू 2। चलिए आई इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं, ताकि आपको भी उसी की आदत पड़ गई होगी तो वही कर लेते हैं। तो आई इज इक्वल टू मैंने 1 बना, सॉरी आई इज इक्वल टू मैंने 1 कर लिया, और पहले मुझे लिख लेते हैं जी, फिर मैं आपको बढ़िया से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। वाइल आई जो है वो इज लेसर आर इक्वल देन 10, 10, और प्रिंट करना है प्रिंट 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 एन इंटू 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 आई। देखिए काम में लगा रहा हूँ, कॉन्कैटिनेट होंगे, ठीक है ना, काम में लगा रहा हूँ, इसीलिए मैं जानबूझ के लगा रहा हूँ, ताकि एक बढ़िया वैसे ही फ्रेम बन जाए, ठीक है ना। वैसे बनता नहीं अगर मैं इसे लिख देता, तो इसलिए मैं ये कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ। इसका आप जानते होंगे मैं स्ट्रिंग का यूज़ कर रहा हूँ, तो ये कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे ना कि जुड़ेंगे। तो यही एक हथियार होता है हमारे पास यूज करने का, जब हमें अपनी मन के मुताबिक लानी होती है चीज़ें। तो अब मैं वही कर रहा हूँ एन इंटू आई, तो मैंने एन इंटू आई इज इक्वल टू एन इंटू आई, और मैं यहाँ पे अभी इसको डिफाइन भी करूँगा कि इसकी चलने के तरीका क्या होगा, यानी कि चलेगा कैसे। ऐसा तो नहीं कि 2 ले फिर सीधे 5 ले ले फिर 10 ले ले 20 ले ले अपने हिसाब से, तो कि चलने का जो तरीका है वो लास्ट हम में डिफाइन करेंगे। तो वो होगा आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, यानी कि 2, आप ऐसे समझिए कि 2 एकम 2 वन जा 2, 2 टू जा 4। तो ये जो सेकंड नंबर पर आ रहा था 2 वन जा तो वन जा, 2 टू जा 2 जा, 2 थ्री जा 3 जा। तो यही चीजें जो हैं, ये देखिए एक एक लाइन पूरी बढ़ रही है ना, 1 2 3 ऐसे बढ़ रहा है ना। तो वही चीज जो है वही तो मैंने डिसाइड की है, एन जो मैंने रखा है वो 2 रखा है, यानी कि जो टेबल बनेगी वो 2 की बनेगी, लेकिन टेबल के बढ़ने का आगे तरीका क्या होगा वो मैंने आई में डिफाइन कर दिया है। यानी कि जो आई है वो जैसे 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा, तो ये आई इज इक्वल टू आई प्लस वन के रूप में बढ़ेंगे आगे। और ये कहाँ तक जाएगा, टेबल कहाँ तक बढ़ जाती है, 10 तक जाती है। तो 10 से कम हो या फिर 10 के बराबर हो, वही चीज मैंने तो रखी है, वहां पे कंडीशन लगाई है कि आई इज लेसर आर इक्वल देन 10। आई होप मैं बहुत बढ़िया से आपको समझा पाया हूँगा। अब इसको चलिए रन करा देते हैं, देख लीजिए वही जो है हमारी टेबल जो है यहाँ पे बन के आ चुकी है सिंपल सी। अब इसको मैं किसी भी प्रकार की टेबल बना सकता हूँ, जैसे मान लीजिए एन की जगह मैं यहाँ पे 21 कर देता हूँ, तो इसकी भी टेबल बन जाएगी। तो देख लीजिए फटाफट बन गई, अब किसी की भी टेबल यहाँ पे बना सकते हो। मान लीजिए मुझे 51 की टेबल बनानी है, बस एन इज इक्वल टू 51 किया, देखिए 51 की टेबल बन गई, कितना आसान है ना। तो इस तरह से आप टेबल भी बना सकते हो। तो छोटा सा प्रोजेक्ट मैंने आपके साथ कर लिया, चलिए अब इसको लिस्ट में कराते हैं रन कि लिस्ट में कैसे काम करेगी। तो चलिए वाइल का एक यूज हम लिस्ट के साथ देख लेते हैं, वाइल विद लिस्ट। तो आपको याद ही होगा कि हम कोई भी कमेंट जो है यदि उसको प्रोग्राम में नहीं लाना है तो हम एज लगा करके ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एक हम लिस्ट बना लेते हैं,
मान लेते हैं L1 इज इक्वल टू, L1 इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये मैंने क्या किया इसको प्रिंट किया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फिर एक लूँगा I इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा वाइल लगाऊँगा। वाइल लगाने के बाद I इज लेसर और इज लेसर और इक्वल नहीं लेन, और मैं लूँगा 11, और यहाँ पे जो है इसको मैं ऐसे कर दूँगा यानी कि रेशियो लगा दूँगा। तो हमारी जो अभी मैं सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे लिख लेने दीजिए, और L1 I, और यहाँ पे मैं जो है इसमें 100 100 सब में जोड़ दूँगा, 1 2 3 4 में 1000 1000। तो L1 I प्लस 1000, ठीक है। इसका मैंने 1000 और I इज इक्वल टू I प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ पे मैं L1 कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है क्या हुआ, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे दरअसल हुआ क्या है। तो यदि सिंपल था यहाँ पे आप देखो तो जो यहाँ पे एक चीज़ हुई है, क्या वो चीज़ हुई है, तो यहाँ पे आप समझिए I इज इक्वल टू मैंने 0 लिखा, और I इज इक्वल टू जो है मैं रुक जाइए एक सेकेंड, तो मैंने यहाँ पे जो है सबसे पहले एक मैंने लिस्ट बनाई L1 नाम की, जिसमें मैंने 1 2 3 4 लिखा। मैंने क्या किया, जो I इज इक्वल टू 0 लिखा, और ये किस तरह से बढ़ेगा, यानी कि सबसे पहले 1 में जुड़ेगा, फिर 2 में जुड़ेगा, फिर 3 में जुड़ेगा, फिर 4 में जुड़ेगा वही वैल्यू। तो I इज इक्वल टू I प्लस 1 का मतलब ये हो गया, ठीक है ना। अब मैंने ये कहाँ किस में लगेगा, मतलब पूरी लिस्ट में लगाना है ना, तो I इज लेसर आर इक्वल देन मैंने लेन कर दिया LEN, और LEN का मतलब क्या होता है कि पूरी लिस्ट में लग जाएगा, ठीक है ना, जितनी लेंथ है इसकी लिस्ट की। तो वही मैंने किया LEN, ये मैंने पहले बताया आपको लिस्ट वाले में, ठीक है ना। तो मैंने LEN कर दिया और L1 लिख दिया, यानी कि L1 में जो पूरी लिस्ट है उसमें क्या हो L1 फिर जो है I, और इज इक्वल टू L1 I कर दिया, और फिर मैंने क्या किया इसमें 1000 में जोड़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। तो इसमें मैंने क्या किया 1000 L1 जो I है उसमें मैंने 1000 जोड़ दिया, और फिर देखिए वही जो है I इज इक्वल टू I प्लस 1, यानी कि किस तरह से चलेगा वो वही मैंने डिसाइड कर दिया। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे अब इसको रन करवाता हूँ और देखता हूँ क्या रिजल्ट यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे मैं जो सॉरी बेबर मुझसे गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ पे जो है मैं इसको कट कर देता हूँ और शुरुआत से आपको दिखाता हूँ। तो मैंने ये देखिए लिस्ट बनाई, ठीक है। लिस्ट बनाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, देखिए वही चीज़ है जो अभी आपके सामने थी, और यहाँ पे L1 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि जो है 1001 1002 1003 1004 1000 इस तरह से प्रिंट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो पूरी लेन में मैंने लगाया, यानी कि जो L1 है ये पूरी लिस्ट है, और पूरी लिस्ट में लगाने के लिए हमें जो है I को डिफाइन करना पड़ेगा, I चलेगी किस तरह से, यानी कि सबसे पहले 1 में 1000 जुड़ जाए, फिर 2 में 1000 जुड़ जाए, फिर 3 में 1000 जुड़ जाए, फिर 4 में 1000 जुड़ जाए, और पूरी लिस्ट में ही लगाना है, इसलिए मैंने LEN का। तो इस तरह से आप एक प्रोग्राम बना सकते हो जिसमें लिस्ट में हम कोई भी वैल्यू कितनी भी जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको सब मिटा देते हैं, और अब हम एग्जांपल लेंगे किसका, फॉर लूप का। तो फॉर लूप का एग्जांपल हम यहाँ पे फॉर लूप इन पाइथन। तो फॉर लूप जो होता है ये दरअसल क्या करता है, इटरेट करने के लिए, या इटरेट का मतलब हिंदी में कहें तो दोहराओगे यदि कोई चीज़ को, यदि आप पाइथन में तो इसको आप इटरेट कहते हैं, ठीक है ना। इटरेट आप कर रहे हो किसी चीज़ को, अब इटरेट क्या करोगे, ट्यूपल करोगे, लिस्ट करोगे, डिक्शनरी करोगे, सेट करोगे, तो इन चीज़ों को इटरेट यदि आपको करना है तो फॉर लूप का यूज कर सकते हो। तो चलिए इनको सबसे पहले हम समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं फॉर लूप का, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। तो लिस्ट मैंने बना लिया L1 इज इक्वल टू, और इसमें मैंने कुछ नाम लिख लेता हूँ, सबसे पहले तो अपना ही लिख लेता हूँ, ठीक है ना। लिखने के बाद यहाँ पे और कोई लिख लेता हूँ, तो और मैं लिख लेता हूँ, और का लिखूँ, हाँ तो और चलिए और लिख देता हूँ, तो चलिए और मैं लिख लिया, एक और नाम लिख लिया, ठीक है, चलिए दो ही रखता हूँ, ज़्यादा कोई नहीं। तो इसके बाद क्या किया, इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक
ठीक ना, रन कर दिया सॉरी। तो रन किया, अब मैं क्या करूँगा, फॉर फंक्शन का यूज करूँगा। अब देखिए क्या होगा, तो फॉर एन इन एलेवन, फॉर एन इन एलेवन क्या करो, प्रिंट कर दो एन को, प्रिंट करो एन को। तो देखिए एक चीज़ क्या आपको याद रखनी है, क्या आपको लग रहा है ये सही फंक्शन चल रहा है गलत चल रहा है? तो मैं कह रहा हूँ ये गलत चल रहा है। क्यों गलत चल रहा है? क्योंकि मुझे इंडेंटेशन का मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप के अंतर्गत हमें ये प्रिंट करना है, तो उसको मुझे आगे रखना पड़ेगा, है ना, तभी मेरा ये सही आएगा, वरना फिर ये एरर दिखा देगा। तो इंडेंटेशन कहते हैं, ये जो चीज़ है, ये चीज़ हमें ये बताती है जगह हम छोड़ते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम फॉर लूप के अंतर्गत ही प्रिंट करवा रहे हैं इसको, अन्यथा ये गलत हो जाएगा, एरर दे देगा। तो इंडेंटेशन इसको कहते हैं, ठीक है ना। और इसको हम प्रिंट करेंगे फटाफट। और तो देखिए जो शरद विशाल, इस देखिए प्रिंट कर दिया फटाफट, है ना। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे दो लिस्ट बना लेता हूँ, तो उनको भी आप यहाँ पे क्रमशः अनुसार प्रिंट कर सकते हो। तो एक और हम बना लेते हैं, तो उसमें कोई हम ले लेते हैं, ठीक है ना, नाम फिर ले लेते हैं, और यार क्या नाम लें, अटा यार, तो चलो जो भी नाम है वो सब लें, ठीक है, तो मुझे इतना पता नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूँ कुछ, तो क्या है यार, चलो अटा, तो और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो और मैं यहाँ पे जो हैं वो हैं, ठीक है, तो उसको ज़्यादा सीरियस मत लेना। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं दोनों को प्रिंट कराऊँगा, दोनों के मतलब जितने भी इसके जो क्रम बनने होंगे वो सारे प्रिंट होंगे। देखिए फॉर एम इन एलेवन, फॉर एम इन एलेवन रेशियो, फॉर एन इन एलेवन एल टू, ठीक है ना। और प्रिंट, अब देखिए किस तरह से मुझे प्रिंट कराना है, तो एम कामा एन, तो ये जो है इसने देखिए प्रिंट कर दिया सारे तरीके, जॉन हॉर्स, जॉन जॉना, मॉन हॉर्स, मॉन जॉना, ठीक है ना, इस तरह से उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप दो को भी प्रिंट करा सकते हो और एक को भी प्रिंट करा सकते हो, जितने भी आइटम उसके अंतर्गत होंगे, जितने भी आप एन को रख सकते हो फॉर एन, इस तरह से, ठीक है। और नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि इसको और भी हम तरीके से देख लेते हैं, कि मान लीजिए जो है इसको हम अलग तरीके से चलाते हैं, जैसे मुझे लिखना है कि फॉर एन इन हेलो, फॉर एन इन हेलो, फिर फॉर एन इन हेलो, और प्रिंट प्रिंट फॉर एन इन हेलो प्रिंट एन। तो ये देखिए इसने एच के करेक्टर को बाहर निकाल दिया, ठीक है ना, एच अलग कर दिया, ए अलग कर दिया, एल 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 ओ, तो इस तरह से आप करेक्टर को फॉर एन इन हेलो मैंने यूज करके इसको अलग अलग करेक्टर निकाल दिए, ठीक है। और इस तरह से आप कर सकते हो। और नेक्स्ट यदि हम इसका यूज रखें, तो इसको और भी तरीके से आप यूज कर सकते हो, जैसे मान लीजिए फॉर इन, मैं ट्यूपल लगा देता हूँ एक, ठीक है ना, फॉर एन इन ट्यूपल, फॉर फॉर एन इन इन 1 2 3, ऐसे ही कर लेते हैं 3, प्रिंट प्रिंट एन, सॉरी अभी यहाँ पे जो है ये नहीं लगाया है, अब मैं करूँगा प्रिंट प्रिंट एन, ठीक है, प्रिंट एन। तो ये देखिए 1 2 3 प्रिंट कर दिया। इसी तरह से आप यहाँ पे सेट भी यूज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं, तो यहाँ पे चलिए एक सेट बना लेते हैं, तो सेट भी देखिए उसी तरीके से काम करेगा, तो उसका भी देखिए वही चीज़ काम की। आप इसी तरह से यहाँ पे लिस्ट भी बना सकते हो, तो लिस्ट में भी वही तरीके से काम करेगा, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए लिस्ट में भी वही चीज़ काम कर रही है, ठीक है, उसी तरह से फॉर लूप काम कर रहा है। अब इसको ज़रा हम एक तरीके से और देख लेते हैं कि फॉर लूप ये इंट में वर्क नहीं करता, यानी कि इंट में जो है फॉर लूप इटरेबल है ही नहीं, ठीक है, तो इंट में जो है फॉर लूप इटरेबल है ही नहीं, तो इसको कैसे समझेंगे, एज इक्वल टू 1 2 3, तो ये इंट एक वैल्यू है, फॉर एन इन ए, फॉर एन इन ए प्रिंट प्रिंट एन, फॉर एन इन ए प्रिंट ए, सॉरी ए, तो फॉर एन इन फॉर इन ए, सॉरी अभी रुक जाइए, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आप जल्दी समझ,
और एन इन 1 2 3। अरे आज ठीक तो था, ठीक था उस समय भी, ठीक था वो दरअसल, तो चलिए उस समय भी ठीक था अभी भी ठीक है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं, दरअसल दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। तो पैसे समझ लीजिए, देखिए मैंने 1 2 3 के लिए मैंने इसको प्रिंट करना चाहा, मैंने सोचा कि 1 2 3 का इसको अलग अलग निकाल दे, लेकिन इसने निकाला ही नहीं। देखिए क्या लिख कर आ गया है कि इंट ऑब्जेक्ट इट नॉट इटरेबल। इंट ऑब्जेक्ट जो कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं पाइथन में इटरेबल होते ही नहीं है। तो ये चीज़ें भी आपको सीखी ठीक है ना, एक वार्निंग भी आपको मिलेगी कि ये जो है इटरेबल होते ही नहीं है। अब हम लास्ट चीज़ पढ़ेंगे और फाइनल चीज़ पढ़ेंगे और इसको ख़त्म करेंगे, वो है सॉरी 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 फॉर लूप विथ रेंज इन पाइथन, ठीक है ना। फॉर लूप विथ रेंज, रेंज क्या होती है, देखिए फॉर का जो है रेंज के साथ भी आप बढ़िया कॉम्बिनेशन बना सकते हो और इसको नंबर्स के आधार पर हम यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर तो फॉर फॉर एन इन रेंज, अभी देखिए इसको ध्यान से समझना ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं, तो फार एन इन रेंज 5 मैंने कर लिया। अब मैं प्रिंट करूँगा एन को, प्रिंट एन। तो इसमें देखिए होता क्या, दरअसल इसमें देखिए 0 से शुरू होएगा। मान लीजिए आपको कोई वैल्यू है वो 5 तक प्रिंट करानी है, अब आप कहोगे कि बार बार लिखेंगे प्रिंट और सब लिखेंगे दुनिया का तमाशा जो पहले करते थे, नहीं। फॉर लूप का उपयोग करके आप एक ही बार में 5 तक प्रिंट करा सकते हो, 5 तक प्रिंट करा सकते हो, लेकिन 5 प्रिंट नहीं होगा, याद रखिए कि 0 से स्टार्ट होगा। यदि आपने रेंज के जो अंदर है आपने 5 लिखा यानी कि एक इंटीजर रखा, तो वो 0 से शुरू होगा और ठीक उसके पहले ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 0 से शुरू होगा और 4 पे ख़त्म हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, देखिए 0 से शुरू हुआ और 4 तक गया ठीक है ना। और नेक्स्ट की हम देख लेते हैं, तो फॉर देखिए रेंज और फॉर का दोनों का उपयोग हो रहा है, यानी कि रेंज का जो है हम फॉर के साथ उपयोग कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें साथ ही पढ़ी जाती हैं। फॉर एन इन रेंज, रेंज ये दरअसल आपने लिस्ट और उसमें पढ़ा भी होगा ठीक है ना, वही चीज़ देखिए है सिंपल सा, कोई इसमें लग नहीं है। मैं मान लीजिए 1,11 कर देता हूँ, तो ये देखिए 1 से शुरू होगा और 11 से ठीक पहले ख़त्म हो जाएगा, समझ रहे हो ना कि 1 से शुरू होगा। देखिए जब एक वैल्यू आपने रखी थी तो वो 0 से शुरू हो रही थी, ये जो है 1 से आपने 11 तक का है, तो ये 1 से शुरू होगा और 10 पे ख़त्म हो जाएगा एग्जैक्ट। तो देखिएगा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे प्रिंट प्रिंट एन, तो ये देखिए 1 से शुरू हुआ और 10 पे ख़त्म हो गया ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है रन करता है, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे देखी। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जरूरी नहीं यहाँ पे अंदर एन ही रखो, आपको जो भी चीज़ें जितनी बार चाहिए वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो, ये भी ध्यान रखना। तो ये लो सॉरी, ये जो वेलकम है इसको डिफाइन नहीं मैंने किया है, डिफाइन करने का मतलब होता है इसको बताओ तो कि स्ट्रिंग है, किस तरह का डेटा है, तो वो नहीं बताओगे तो फिर यही मिलेगा तो अचार में। तो वेलकम जो है 10 10 बार प्रिंट हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7। तो चलिए आपको दिखा भी देते हैं, दिखा भी देते हैं, तो ये लो 1 2 3 4 10 बार अब ठीक। तो अब मैं बात कर लेता हूँ लास्ट और फाइनल, उसके बाद ख़त्म। तो यहाँ पे फार एन इन, अब हम तीन चीज़ें लेंगे रेंज के में, तीन चीज़ें, अब तीन चीज़ें आप कहोगे कैसे लोगे यार, तो इसको ऐसे लेंगे हम, देखते रहो आप। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया 1 11 ठीक है ना। अब मुझे मान लीजिए इसको जो क्रम है वो मुझे अभी तक तो क्या था आपको देखने को मिल रहा था कि 0 1 2 3 4 ऐसे चल रहा था, यानी कि जो इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट हो रहा था वो 1 1 छोड़ करके हो रहा था, 1 1 जोड़ कर हो रहा था, इसे भी आप कह सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हो रहा था कि 1 1 हो रहा था। आपने कहा नहीं हमें ऑड इवन का नियम लगाना है, हमें यहाँ पे ऐसा चाहिए कि वो 2 2 छोड़ करके या 5 5 छोड़ करके या 6 6 छोड़ छोड़ करके आगे बढ़े, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया कि 2 2 छोड़ करके आगे बढ़े, तीसरी लाइन में आपको स्टेप ओवर रखना है। ये दरअसल वही वाली सिंटैक्स का थोड़ा थोड़ा कॉपी है जो मैंने आपको बताया था, स्टार्ट रेशियो स्टार्ट रेशियो स्टॉप रेशियो स्टेप ओवर, याद आया कुछ कुछ एपिसोड 1 या 2 में मैंने बताया होगा। अब मैं क्या करूँगा इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट प्रिंट एन, और तो देख लीजिए वही चीज़ है 1 3 5 6 7 9। और ठीक देखिए 11 पे नहीं गया, क्योंकि 11 भी जाना चाहिए था लेकिन गया नहीं। क्यों नहीं गया, क्योंकि 11 पे जाएगा ही नहीं, उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा स्टार्ट, लेकिन वहीं से होगा जहाँ से आपने स्टार्ट किया। तो ये चीज़ें होती हैं इस तरह से, ये जो चीज़ें हैं वो काम करती हैं ठीक है ना। और अच्छा एक चलिए आपको एग्जाम्पल दिखा दूँ, मान लीजिए आपने आपने कहा कि फॉर
एन इन रेंज, फॉर एन इन रेंज वन कामा इलेवन कामा, ठीक है ना, चलिए इतना ही रहने दीजिए। अब मैं आपको टेबल बना कर दिखाता हूँ दूसरी तरीके से, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ। तो प्रिंट प्रिंट टू इंटू एन कर दो, तो ये जो होगा टू इंटू एन, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ब्रैकेट ब्रैकेट कोड क्लोज ही है, उसमें कोई क्लोज अब आपको नहीं करना है, बस क्लोज है। अब देखिएगा जो है पहाड़ा हमारा चालू हो जाएगा। जो एन हमारा है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक जाएगा एन जो है हमारा, 10 तक जाएगा। और फाइनली ये हमारा 2 से 10 तक तो ले जाना, 2 10 जा, वही तो हमें चाहिए भैया। ये देखो हमने कहा करके किया था, देखो ये हमने जो है 10 तक चलाया था, चलाया था ना। 1 से 11 तक में क्या आता है, 10 तक जाता है, तो वही 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा फिट्टा ये सब है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि 10 जा तक जाएगा, 10 जा तक वही में चाहिए, टेबल में चाहिए गया, 20 तक थोड़े ना पड़ते हैं। तो चलिए बकवास ना करते हुए, 2 2 1 जा 2 2 4 2 जा 4 2 3 जा 6, और फाइनली जो है 10 ही तक चला है। देखिए 1 से स्टार्ट हुआ और 20 तक गया। तो फाइनली हमने आज कवर कर लिया, डिटेल में कवर किया। आई होप आपको बेस्ट मज़ा आया होगा कि यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट सर, व्हाइल लूप हमने बताया, फॉर लूप मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आते हो, पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए। हम रोज डेली इसी तरह का बेहतरीन कंटेंट लाते हैं, वेब 3 की डेवलपमेंट करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जल्दी मिलते हैं साथ तक। जय हिंद, वंदे मातरम।